वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। मैं आशा करता हूँ कि लॉन्ग वीकेंड आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा। 3 दिन स्टॉक मार्केट्स भी बंद थे एंड आज दे विल ओपन अगेन। तो चलिए समझते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, एंड वी विल टेक सम स्टॉक वाइज अपडेट्स एज वेल। ग्लोबल इकोनॉमी से शुरुआत करते हैं, जहां पर सबसे पहली न्यूज मैं आपके लिए लाया हूँ, एंड दैट इज अबाउट यूएस मार्केट्स फॉर देयर सब्सिडीज फॉर एडवांस चिप्स। तो यूएस इकोनॉमी से एक्सपेक्टेड है कि दे विल बी अनाउंसिंग लॉट ऑफ सब्सिडीज फॉर एडवांस चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स। ऐसी एक रिपोर्ट आई है फ्रॉम वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो प्रेसिडेंट जो बाइडन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू अवार्ड मोर देन $1 बिलियन इन सब्सिडीज इन द कमिंग वीक्स टू टॉप सेमीकंडक्टर कंपनीज इन यूएस, जहां पर इंटेल, टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड जैसी कंपनीज यहां पर बेनिफिशियरी हो सकती है। तो ये जो फोर्थकमिंग अनाउंसमेंट्स है, इससे एक एम है टू किक स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस सेमीकंडक्टर्स, जो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी में हेल्प कर सके यूएस इकोनॉमी को इन टर्म्स ऑफ पावर स्मार्टफोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वेपन सिस्टम्स। तो एक टाइम से एक्सपेक्टेड था कि चाइना से डिपेंडेंस तो उनको कम करना ही था। सेमीकंडक्टर मार्केट में तीन एलिमेंट्स बेसिकली होते हैं, डिजाइनिंग भी होता है उसमें, असेंबली एक पार्ट होता है, एंड ऑब्वियसली जो फैब्स बनाने होते हैं वो एक पार्ट होता है। तो ये सारी चीजें यूएस के कुछ कंपनीज लाइक इंटेल आर देयर इन ऑल थ्री प्रोसेसेस, लेकिन जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग होता है इस इंडस्ट्री में असेंबली रिलेटेड, वो एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है। तो उस पर भी शायद उनको जो डिपेंडेंस है वो भी यहाँ पर कम करने की कोशिश यहाँ पर होगी। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली इस पर ज्यादा ध्यान करंटली यूएस इकोनॉमी दे रही है। ऑब्वियसली एक इलेक्शन वाला ईयर भी है, सो देर विल बी मोर पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट्स फ्रॉम द यूएस इकोनॉमी एज वेल। तो जो लाइकली रेसिपियंट्स है, कौन सी कंपनीज यहाँ पर मेन रेसिपियंट्स हो सकती है, तो इसमें इंटेल इज एक्सपेक्टेड टू बी अ बिग बेनिफिशियरी। एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो प्रोजेक्ट्स अंडरवे है करंटली फ्रॉम इंटेल, जो उनके कुछ प्लांट्स इन एरिजोना, ओहायो, न्यू मैक्सिको एंड ओरेगॉन में करंटली इन प्रोसेस है टू अपग्रेड देयर कैपेसिटीज, उसके लिए उनको ऑलमोस्ट $43 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। तो ऑब्वियसली अगर सब्सिडी ऐसी कंपनी को मिलती है तो उनको बहुत बड़ी हेल्प यहाँ पर हो सकती है। यूएस इन्फ्लेशन के कुछ डेटा के नंबर्स पिछले हफ्ते के एंड में, थर्सडे फ्राइडे में सामने आए थे, जिससे ये पता लग रहा है कि हो सकता है जो सॉफ्ट लैंडिंग के टारगेट्स यूएस फेडरल रिजर्व ने रखे हैं वो शायद वो अचीव कर पाएंगे। एंड द रीजन इज कि इन्फ्लेशन काफी अच्छे से कूल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है फॉर द यूएस इकोनॉमी। फेडरल रिजर्व का जो एक प्रेफर्ड ब्रांड है, बैंड है फॉर इन्फ्लेशन, किस रेंज में वो रखना चाहते हैं, अराउंड उसी रेंज में करंटली जो नंबर्स है वो आ रहे हैं। फ्राइडे जो गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स आए थे उनके हिसाब से प्राइजेस हैव रिजन बाय जस्ट 0.2% फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर टू दिसंबर। तो ये एक काफी एनकरेजिंग साइन है यूएस इकोनॉमी के लिए। तो जो पेस है ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, दैट इज कंसिस्टेंट विद द प्री पैंडेमिक नंबर्स। पैंडेमिक के बाद ऑब्वियसली हायर इन्फ्लेशन का समय शुरू हो गया था, लेकिन दीज आर कंसिस्टेंट विद प्री पैंडेमिक नंबर्स। दिस इज अ मंथली इन्फ्लेशन, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें तो वो 2.6% से प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। तो दैट इज क्वाइट क्लोज टू फेडरल रिजर्व्स एनुअल टारगेट ऑफ 2%। तो ऐसे में काफी ऑप्टिमिज्म बढ़ जाएगा कि शायद फेडरल रिजर्व यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है? सॉफ्ट लैंडिंग इज बेसिकली जब भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली आपको रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन रेट्स यानी फेडरल रिजर्व रेट्स या फिर बैंक रेट्स हम जिसे कहते हैं, वो बढ़ाने से बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर आप रेट्स ऐसे इंक्रीज करें जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ज्यादा हैम्पर ना हो, यानी इकोनॉमी में डीग्रोथ ना आए, तो उस केस में एक सॉफ्ट लैंडिंग मानी जाती है, अगर आप ऐसे ऐसा करके इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाते हैं। तो यही एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है सॉफ्ट लैंडिंग का जो डिफिकल्ट गोल है वो यहाँ पर अचीव हो जाए। इससे फेडरल रिजर्व को आगे चलकर इंटरेस्ट रेट्स कट करना भी इजियर हो जाएगा। ऑब्वियसली 11 टाइम्स उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं सिंस मार्च 2022 टू अटैक इन्फ्लेशन, जो इतना बड़ा प्रॉब्लम उनकी गवर्नमेंट के लिए हो चुका था। थर्सडे को गवर्नमेंट रिपोर्ट ने ये भी बताया कि इकोनॉमी जो है उनकी, दैट इज एक्सपांडेड बाय अ सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग 3.3%। ये उनका एनुअल पेस रहा है फॉर द फाइनल 3 मंथ्स ऑफ लास्ट ईयर। तो इकोनॉमी के ग्रोथ के नंबर्स भी एनकरेजिंग दिख रहे हैं, एंड इन स्पाइट ऑफ अ हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में आने लगा है। द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द रेड सी रूट। तो लॉन्गर डिस्ट्रप्शंस इन द रेड सी रूट, इससे ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन काफी ज्यादा हैम्पर हो सकता है, ऐसे GTRI करके एक एजेंसी का कहना है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ये इस एजेंसी का नाम है, एंड उनका ये कहना है कि कंपनीज
जो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री पर ज्यादा रिलाय कर रही है उनके लिए करंट टाइम बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। जस्ट इन टाइम एक टाइप का इन्वेंट्री है, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ फॉर एग्जांपल इंडिया में हूँ, एंड अगर मेरे पास उतने वेयर हाउसिंग कैपेसिटीज नहीं है या फिर मेरे पास उतने प्रोविजंस नहीं है कि मैं जो भी इन्वेंट्री मेरे पास आ रही है बेसिकली थ्रू इम्पोर्ट्स वो मैं मेरे पास रख सकूं, तो मैं जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री पर जो है वो ऑपरेट करता हूँ। यानी यहाँ पर जो भी इन्वेंट्री मेरे पास आएगी वो तुरंत इन प्रोडक्शन यूज हो जाएगी, ताकि मुझे वो स्टोर करने का वर्किंग कैपिटल जो है उस पर स्पेंड ना करना पड़े। लेकिन अब ये रेड सी रूट में प्रॉब्लम्स आने की वजह से जो प्रोडक्शन कंपनीज जस्ट इन टाइम पर ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, बिकॉज जो इम्पोर्ट्स आ रहे हैं वो डिलेड आ रहे हैं। तो ऐसे में कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपके पास इन्वेंट्री ही ना हो टू वर्क फॉर प्रोडक्शन, टू वर्क फॉर योर फाइनल आउटपुट। तो ऐसे में कुछ इंडस्ट्रीज विच विल बी इम्पैक्टेड मोस्ट अकॉर्डिंग टू GTRI इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, मशीनरी, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। तो रेड सी रिलेटेड जो ट्रेड इम्बैलेंस हो गया है वो अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, एंड दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट बिजिएस्ट शिप रूट्स। तो ऑब्वियसली इससे रिपल इफेक्ट्स जो है वो आने एक्सपेक्टेड है। फ्रेट कॉस्ट ऑलरेडी इंक्रीज होने लगे हैं। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में भी बात करें, कुछ नंबर्स जो सामने आए हैं उनके हिसाब से बासमती राइस के जो एक्सपोर्टर्स है दे आर फेसिंग फ्रेट कॉस्ट सोरिंग टू ऑलमोस्ट ₹2,000 पर 20 टन कंटेनर, विच इज अ 233% इंक्रीज इन द फ्रेट कॉस्ट। ये हालांकि एक बिलीव इट और नॉट जैसी न्यूज यहाँ पर है, बट यू कैन सी हियर कि 2-3 टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज आ रहा है इन द फ्रेट कॉस्ट, क्योंकि जितने दिन आपको लगते हैं टू टेक द शिपमेंट टू इट्स फाइनल लोकेशन वो ही बढ़ जाता है अगर रेड सी का जो इम्पोर्टेंट रूट है वो यहाँ से ना आ पाए। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, जिसकी न्यूज इज अगेन रिलेटेड टू द रेड सी डिसरप्शन। तो रेड सी के क्राइसिस पर HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो हेड है उनका ये कहना था कि डिसरप्शंस ऑफ ऑयल फ्लो इंडिया में नहीं हुआ है लेकिन फ्रेट कॉस्ट जरूर बढ़ चुकी है। तो इंडिया जैसी कंट्री जो इतना ज्यादा इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंड करती है, इट इज द वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर, एंड ऑब्वियसली इंडिया के अगर हम पिछले साल की बात करें तो बल्क ऑफ द इंपोर्ट ऑफ ऑयल इज कमिंग फ्रॉम रशिया, एंड रशिया से आने वाले जो भी सप्लाईज है वो जनरली रेड सी के रूट से ही आते हैं। तो ऐसे में देयर आर सम कंसर्न्स कि इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स इससे अफेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर HPCL के हेड ने यहाँ पर क्लियर किया है कि फ्रेट कॉस्ट यहाँ पर जरूर बढ़ जाएगी, ऑयल सप्लाईज के कोई ज्यादा कंसर्न्स नजर नहीं आ रहे। एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने वाली ये है कि रशियन शिप्स एंड कार्गो आर नॉट द प्राइम टारगेट्स ऑफ द अटैक। जो हुती रेबल्स से अटैक आ रहा है इन द यमन रीजन, जो रेड सी में आने वाले शिप्स है उन पर वो अटैक कर रहे हैं, तो दे आर नॉट बेसिकली टारगेटिंग रशियन शिप्स एज ऑफ नाउ। एंड रशियन इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो रशिया से आने वाला ऑयल मेड 30% ऑफ इंडिया टोटल ऑयल इंपोर्ट्स इन द ईयर 2023। इंडिया को काफी सस्ते में भी रशियन ऑयल मिल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे कंट्रीज ने रशिया से ट्रेड टाइज बंद कर दिए, तो ऐसे में दे आर रेडी टू सेल इट एट अ चीपर रेट। तो ये जो रीरूटिंग हो गया है रेड सी का, उस वजह से जो शिपमेंट्स है फ्रॉम इंडिया टू द यूएस उसमें एडिशनल 10 to 14 days करंटली लग रहे हैं, एंड जो भी शिपमेंट यूरोप से इंडिया आ रही है या फिर इंडिया से यूरोप जा रही है तो उस केस में इट इज टेकिंग एडिशनल 20 to 25 days। तो काफी बड़ा डिस्ट्रप्शन करेंटली शिपिंग इंडस्ट्री को यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। अब आते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर, जहां पर सबसे पहली अपडेट है एक न्यूज जो आई थी लेट ऑन थर्सडे, एंड दैट वाज कि RBI ने LIC को अलाउ किया है टू अक्वायर अप टू 9.99% स्टेक इन HDFC बैंक। HDFC बैंक हैज बीन अ टॉकिंग पॉइंट सिंस द लास्ट 1 month जब से उनके रिजल्ट्स आए थे, एंड कंटिन्यूअसली 2 दिन उनका स्टॉक काफी यहाँ पर गिरता हुआ भी नजर आया। तो ऐसे में HDFC बैंक की बातें बहुत हो रही थी। RBI ने यहीं पर LIC को अप्रूव किया है टू टेक अप टू 9.99% स्टेक। तो LIC को ये जो एडवाइस दिया है बाय RBI, दे हैव सेड कि उनको ये जो शेयर होल्डिंग है इस बैंक में वो इंक्रीज करनी होगी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year, दैट इज 24th of January 2025। करंटली LIC ऑलरेडी HDFC बैंक के शेयर ओन करता है, उनकी करंटली 5.19% की स्टेक है। तो ऐसे में दे कैन अक्वायर ऑलमोस्ट 4.7-4.8% स्टेक मोर इन HDFC बैंक। एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छी चीज है HDFC बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि हो सकता है इससे थोड़ा सा शेयर का प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो सके। रिसेंटली HDFC बैंक के शेयर्स 52-week lows पर पहुंच गए थे बिकॉज ऑफ अ हैवी सेल ऑफ। एक तो रिजल्ट्स जो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स आए थे, अर्निंग नंबर्स, वो भी थोड़े ऑन अ सॉफ्टर साइड थे, एंड इसके अलावा कुछ
स्पेकुलेशन ऐसा भी है कि सेल ऑफ इज ड्यू टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स जो पैनिक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सेबी प्रपोजल दैट केम इन द लास्ट वीक रिगार्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अगली न्यूज है अबाउट जेएसडब्ल्यू स्टील, जिन्होंने अपना FY24 का केपेक्स जो है वो ट्रिम कर दिया है बाय 2000 करोड़। ट्रिम कर दिया यानी कम कर दिया है। पिछले साल FY23 के एंड में एंड FY24 के स्टार्टिंग में भी जेएसडब्ल्यू स्टील ने कहा था कि दे आर एक्सपेक्टिंग टू स्पेंड ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ इन FY24, जिसका जो एक्सपेक्टेशन है वो उन्होंने नैरो करके 18,000 करोड़ यहाँ पर कर दिया। हालांकि कंपनी ने ये क्लियर कर दिया है कि वो टोटल इन्वेस्टमेंट्स जो है ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर जितना उनका टारगेट है लगभग 50,000 करोड़ का कीपेक्स करने का इन द स्टील बिजनेस। तो वो उन्होंने कट शॉर्ट नहीं किया है, इट्स जस्ट अ टाइमिंग डिफरेंस इज व्हाट द कंपनी इज सेइंग। ये जो एडिशनल 2000 करोड़ का जो कीपेक्स है वो अगले साल में पुश हो जाएगा, ऐसा कंपनी का यहाँ पर क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है। तो जो की प्रोजेक्ट्स है टू अचीव द कंपनीज ग्रोथ प्लान्स, दे इंक्लूड एक विजयनगर में उनका प्रोजेक्ट है टू एनहेंस देयर कैपेसिटी बाय फर्दर 2.5 मिलियन टन्स पर एनम। तो एक काफी बड़ा कैपेसिटी इंक्रीज वो यहाँ पर कर रहे हैं। एंड 5 MTPA का ब्राउनफील्ड एक्सपांशन भी वो विजयनगर में यहाँ पर करने वाले। तो कंपनी ने ये भी बताया है कि जो ग्रोथ मोमेंटम है इंडियन इकोनॉमी में वो काफी स्ट्रांग होने नजर आ रहा है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग एंड गवर्नमेंट स्पेंड्स भी काफी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। गवर्नमेंट ने खुद अपना कीपेक्स इंक्रीज किया है बाय 31% ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2023। तो ऐसे में एंड एक इलेक्शन रिलेटेड स्पेंडिंग भी एक्सपेक्टेड है, तो उससे उनका जो कंजम्पशन है वो काफी स्ट्रांग रहेगा, ऐसा जेएसडब्ल्यू स्टील ने यहाँ पर बताया है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की जो सैटरडे को आया था। देयर इज ओनली वन रिजल्ट मेनली टू टॉक अबाउट फॉर सैटरडे एंड दैट वाज रिगार्डिंग एपीएल अपोलो। ओवरऑल अगर हम देखें तो Q3 के नंबर्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वीक रहे हैं। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का दैट इज डाउन बाय 2.2%, जो अब 165 करोड़ पहुंच चुका है। रेवेन्यू की जहां तक बात आती है तो दैट इज डाउन बाय 3.4%। मार्जिन्स थोड़े से इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, 6.7% रहे हैं फॉर दिस क्वार्टर, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 6.3% रहे थे। Q3 क्यों इतना पुअर रहा, मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि चैनल डीस्टॉकिंग काफी हुआ है। मैनेजमेंट ने ये कहा है कि बहुत प्राइस करेक्शन का फियर था इस क्वार्टर में, यानी ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि जो जो कंपनी के पास इन्वेंट्री है वो और भी कम प्राइसेस पर आगे बिकेगी, तो ऑब्वियसली यू आर रेडी टू सेल एट टेकिंग सम कट ऑन योर मार्जिन्स देयर। तो ऐसे में ऐसा माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट स्टील ट्यूब्स की इंडस्ट्री में रहा था, ऐसे कंपनी ने कहा है। हालांकि इबिट्डा पर टन जो है कंपनी का वो इम्प्रूव हो गया है बाय 3% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड ये पहुंच गया है ₹4,600 करोड़ इन Q3 ऑफ FY24। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो कैश फ्लोज एंड बैलेंस शीट अभी भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। कंपनी कॉन्स्टेंटली कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश कर रही है एंड स्ट्रांग प्रोडक्ट लॉन्च पोर्टफोलियो उनका ऑलरेडी नजर आ रहा है। दुबई में उन्होंने एक प्लांट रिसेंटली शुरू किया था एंड उसके ऑपरेशंस उसके रिलेटेड जो ऑर्डर्स है वो काफी एनकरेजिंग आ रहे हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज न्यूज। अब हमारे फाइनल सेक्शन पर हम चलते हैं, दैट इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो इस सेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड की, एप्पल की बात यहाँ पर होगी। एप्पल के बारे में एक काफी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट मैंने रिसेंटली देखा। 40 ईयर्स अगो January 1984 में कंपनी ने अपना पहला आइकॉनिक प्रोडक्ट रिलीज किया था, दैट वॉज द एप्पल मैकिंटोश, जिसे मैक भी कहा जाता है। मैक वॉज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट फॉर द कंपनी, लेकिन कैसे एक सक्सेसफुल कंपनी बनने के लिए आपको कॉन्स्टेंट इनोवेशन करने पड़ते हैं, ये एक डेटा पॉइंट से काफी क्लियर है। द डेटा पॉइंट इज कि 2001 में लगभग 22-23 साल पहले एप्पल का 83% रेवेन्यू मैक से ही आता था। इट वॉज सच अ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर द कंपनी कि 83% रेवेन्यू उनका सिर्फ ये एक प्रोडक्ट मैक से आता था। उसके बाद कंपनी ने काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, एज यू माइट बी अवेयर। अगर हम बात करें तो 2002 में उन्होंने आईपॉड लॉन्च किया, 2006 में मैकबुक प्रो आई मैक के साथ वो आए थे एंड 2007 में ऑब्वियसली द मेन प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी नाउ दैट इज द आईफोन उन्होंने लॉन्च किया था। 2010 में आईपैड एंड 2015 में एप्पल वॉच का भी लॉन्च उन्होंने किया था। लेकिन अब 2023 में अगर हम देखें तो जो मैक है दैट इज ब्रिंगिंग ओनली 8% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फॉर द कंपनी। दिस इज एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर अ कंपनी बिकॉज अगर आपका एक स्टार प्रोडक्ट आगे चलकर बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी इट इज पेविंग वे फॉर अदर प्रोडक्ट्स टू मेक मनी, तो नथिंग लाइक इट फॉर अ कंपनी। ऑल्दो मैक से उनके सेल्स इतने कम हो गए, लेकिन कंपनी भी इतने फास्ट ग्रो हुई है इन द लास्ट 15 टू 20 इयर्स कि इवन आफ्टर बीइंग जस्ट 8% ऑफ सेल्स, मैक एज अ प्रोडक्ट इज स्टिल डूइंग वेल फॉर एप्पल। इट्स जस्ट दैट अदर प्रोडक्ट्स आर डूइंग मच बेटर फॉर देम एंड मेरे हिसाब से ये स्टैटिस्टिक एक
काफी बड़ा टेस्टिमनी है टू हाउ द कंपनी हैज मैनेज्ड टू पिवट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड मेक देम सक्सेसफुल एज वेल। सो 2001 में 83% रेवेन्यू लाने वाला प्रोडक्ट अब सिर्फ 8% रेवेन्यू ला रहा है, एंड दैट इज इवन आफ्टर द कंपनी इज ग्रोइंग द रेवेन्यू बाय सो मच। सो आई फेल्ट कि इसको बिलीव इट और नॉट में शेयर करना एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investjetnet.in को विजिट करना मत भूलिए, बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपके लिए हमारे वेबसाइट पर रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर ये चेक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।